भीख मांगते। कश्मीर में हिंदू भले का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कश्मीर में हिंदू भले का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कश्मीर में हिंदू भले का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये कंडीशन लादर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये कंडीशन लादर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि आज भी जो है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉय जो है 290 दिन से भी ज्यादा हो गए, 300 दिन होने वाले हैं। आज भी उसकी जो सैरी है वो सैरी रिलीज के लिए जो अपनी डिमांड जो है वो कर रहा है। कल सुबह से एम्प्लॉय यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के सामने बैठे हैं और रात भी उन्होंने यहाँ ही गुजारी है और आज भी वो यहाँ बैठ रहे हैं। उनकी एक ही डिमांड है कि सरकार जो है वो उनकी सैरी जो है शिवरात्रि जो पवन अवसर है, फेस्टिवल है, कश्मीरी पंडित इसको अपने ट्रेडिशन से मनाते हैं। हमारे एक मेन फेस्टिवल ये होता है शिवरात्रि जो 18 को है। हम चाहते हैं कि उससे पहले पहले, हालांकि शिवरात्रि का फेस्टिवल तो हो गया शुरू, लेकिन 18 को मेन हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उससे पहले ही जो हमारे एम्प्लॉयज की उनकी सैरी जो है उनको इंश्योर करे। लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का कोई जो है डायरेक्शन नहीं आए, लेकिन हम उम्मीद में बैठे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो यूटी के थे माननीय अरविंद रैना जी देर रात हमारे साथ बैठे हैं। उन्होंने संपर्क भी किया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उन्होंने संपर्क भी किया दिल्ली में जो उनकी गवर्नमेंट है वहाँ भी, उन्होंने सेंटर में गवर्नमेंट है उनके साथ संपर्क किया और उन्होंने हमें होप एक दी है और हमें एक्सपेक्टेशन भी हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया हमें कि आपकी सैरी जो है वो हम रिलीज उसके लिए हम कोशिश करेंगे। और हमें आज भी उसी उम्मीद पर बैठे हैं कि आज कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई जो डायरेक्शन है वो आएगी। आज उपराज्यपाल महोदय वो आज हमारे कुछ ट्रांजिट कैंपस में दौरा कर रहे हैं। हमें काफी उम्मीद है उनसे कि वो वहां पर जो है एक जो एक वर्बल डायरेक्शन ही अगर वो इशू करेंगे कि जो सैरी जो है एम्प्लॉयज की पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की छोड़िए शिवरात्रि के महान जो फेस्टिवल है उसको देखकर, तो एक खुशी की लहर जो है पूरे कम्युनिटी में आएगी और पीएम पैकेज एम्प्लॉयज में भी आएगी। क्योंकि इस तरह जो पीएम पैकेज एम्प्लॉय यहाँ बैठा है इस शिवरात्रि के साथ साथ इनकी फैमिलीज काफी हार्डशिप में। हम चाहते हैं कि सरकार को एक बड़ा दिल यहाँ दिखाना चाहिए और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है ये भी एक पार्ट होगा जब वो इन शिवरात्रि के अवसर पर सैरियां रिलीज करेंगे और इन एम्प्लॉयज की जो है वो दिल जो है वो जीतेंगे। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ आज शाम तक देर गए तक कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। शिवरात्रि घर में मनाएंगे जहां तक मनाएंगे, देखो अभी जो डिसीजन होगा वो कोर कमेटी डिसाइड करेगी कि वो यहाँ मनाएगी। अब इन्होंने जो अभी तक जो हमारे पास जो कोर कमेटी ने हमें एक मैसेज कन्वे किया वो यही है कि जब तक कि आज शाम तक हम डिसाइड करेंगे कि क्या आएगा, अगर कुछ पॉजिटिव आया तो फिर वही आपके सामने हम उसके बाद क्या दूसरी रणनीति होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो डिसीजन मुझे लगता है अभी वो डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन हम आपके साथ जरूर वो है वो शेयर करेंगे।